हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आपने चौराहे की अलग डिफरेंट तरीके से सब्जी खाई है? तो चलिए ठीक है, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि चौराहे को हम आज किस तरह बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये हरा कोना है, कद्दू को काट लिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है चौराहे। तो चौराहे काट लिए और यहाँ पर मैंने काट लिया है मिर्चा। तो चलिए कढ़ैया को रखते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो आज मेरे किचन में जो है बन रहा है, जानते हैं क्या? बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से बन रहा है चौलाई की सब्ज़ी। और आजकल गर्मियों में चौलाई बहुत ही ज़्यादा आ रही है और खाना भी चाहिए। ये कई रंग की आती हैं बाज़ार में, हरी कलर की, लाल कलर की और एक ब्लैक कलर की भी आती है जो है। तो आप तीनों की सब्ज़ी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लोगों की तरफ भी लाल चौराई और हरी चौराई भी होती है और हर किसी काली भी चौलाई होती है। इसकी सब्ज़ी ज़रूर खाने चाहिए जो है। चौलाई की सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका बनाने का ना तरीका सबका अलग अलग है। हम जब बहुत छोटे से थे तो हमारी मम्मी चौलाई की सब्ज़ी बनाती थी, लहसुन मिर्चा डाल करके सिर्फ सिंपल ऐसे ही छौंकती थी। वो चौलाई की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती थी और जब अधपकी रहती थी तब उसमें कच्चे आम डाल देती थी मेरी मम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती थी दाल चावल के साथ। तो चलिए आज हम बिल्कुल अलग तरीके से चौलाई बना रहे हैं। तो ज़रूर देखिए, यहाँ चौलाई काट लिया है, हरा कद्दू एक छोटा सा काट लिया है, मिर्चा काट लिया, यहाँ पे मैंने मेथी ले लिया है। तो यहाँ पर मैं गैस के फ्लेम पर चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। और आज पता है, ये इस तरह की चौलाई की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, तो आज मेरे पति देव बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि ये सब्ज़ी उन्होंने ही मुझे सिखाई थी। वो इस तरह अलग तरीके से बनाए थे तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी, तो मैंने कहा चलो, और मेरे इलाहाबाद साइड में इस तरीके से नहीं बनती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये चौलाई की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और अपने हस्बैंड को और अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाना। ऐसे बच्चे चौलाई नहीं खाते हैं पर इसको ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ मैंने मेथी डाल दिया है तेल में और मिर्चा डाल दिया है और कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें मैं। और जब ये हल्के से चटकने लगेगा, मतलब लहसुन हमारा हल्का सा लाल हो जाएगा और मिर्चा भी हल्का सा पक जाएगा, तभी मैं इसमें क्या डालूंगी, चौलाई पहले डालूंगी कि कद्दू डालूंगी। तो चलिए देखिएगा। जी नहीं, सबसे पहले मैं कद्दू डालूंगी, हरा कोहरा। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाना इस तरीके की चौलाई की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से, लहसुन मिर्चा डाल के। बहुत से लोग चौलाई में आलू डाल के बनाते हैं, बहुत से लोग प्याज डाल के बनाते हैं। सबका बनाने का तरीका अलग होता है, पर आप ये कद्दू डाल के बनाना देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैंने कद्दू डालने के बाद अब मैं इसमें जो है चौलाई डाल रही हूँ। जो है सबसे पहले चौलाई नहीं छौंकना है, मैं आपसे बता दे रही हूँ, सबसे पहले कद्दू को डालना है, उसके बाद ही ऊपर से चौलाई डालनी है। तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिलाऊँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें अब मैं नमक डालूँगी, नमक थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि मेरे यहाँ कम ही खाते हैं। मैं हमेशा आपको वीडियो में अक्सर बताती हूँ कि मेरे घर में ना नमक हर चीज़ में बहुत कम खाते हैं क्योंकि हमारे घर में बीपी के पेशेंट, हमारी सास और ससुर दोनों लोग हैं। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से मिला दूंगी और धीमे आँच में पकाऊँगी, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना है मुझे, बिल्कुल धीमे आँच में। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं और उसके बाद जस्ट दूसरा काम हम अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्ज़ी हल्के से भग गई है। तो आप बीच में थोड़ी देर बाद, मैंने 10-5 मिनट के बाद आप खोल लीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए ताकि बराबर से पक जाए चौलाई भी और कद्दू भी हमारा। ये चौलाई पहले गल जाएगी और कद्दू नहीं पक पाएगा, तो इसलिए इसको आप अच्छे से चला दीजिए। चलाने के बाद फिर से इसको हम ढक्कन बंद करके लगा देंगे और धीमे आँच में इसको हम पकने देंगे जो है, और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, जी हाँ, कच्चे आम नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि हमने कद्दू डाल रखा है, कच्चा कद्दू, और उसको डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, अमचूर डालने से ना स्वाद ना वाह बहुत टेस्टी आने वाला है खाने के बाद जो है, तो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कद्दू चौलाई की सब्ज़ी बनकर रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करना प्लीज़, जो भी मेरी बहनें हैं
बनाना ज़रूर कद्दू डाल करके देखिएगा। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारी बहनें चावल खाने के बहुत शौकीन होती हैं, तो कोई भी हरी सब्ज़ी दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप इस तरीके से चौलाई की सब्ज़ी बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर अब हमने इसको पलट लिया है, कद्दू की सब्ज़ी और चौलाई की सब्ज़ी जो है, और घर में हमारे खाए थे सब लोग ने बोला बहुत टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करना जो है। और देखिएगा बच्चे बूढ़े जवान सब खाएंगे आपके घर में, और आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो खुश हो गए थे, कह रहे वाह मेरी सब्ज़ी बना दिया, इसलिए कह रहे हैं ज़रूर बनाना। तो यहाँ पर देखिए मेरी चौलाई की सब्ज़ी बन के रेडी है। उसके बाद मैं बना रही चौलाई की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, अब मैं बना रही हूं। ना मुझे बचपन की याद आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, बचपन जाते थे पेड़ में फलते थे, याद आ जाता तोड़ने, क्योंकि हम छोटे थे ना, तो इसी तरह हम लोगों के यहाँ कॉलोनी में मतलब आम का बगीचा था, दोपहर में निकल जाते थे तोड़ने और ले आते थे। तो मम्मी चटनी बनाती थी, पना बनाती थी, और आम को दाल में भी डालती थी जो है। तो मुझे तो ये सब देख के बचपना याद आ जाता है। तो ये मेरे ससुर की फरमाइश थी कि मुझे आम की चटनी बना दो, तो बस वही मैं पुदीना लहसुन मिर्चा और आम डाल करके चटनी बना रही थी जो है। और अच्छा भी लगता है जो है आम की चटनी आजकल, क्योंकि इस समय आम ना बहुत ज़्यादा ही फ्राद है। तो बस हमारा खाना सारा कुछ रेडी हो गया है, बस यही चटनी भर बनानी थी। तो बस हमारी चटनी भी अब बन कर के रेडी होने वाली है, और बाकी हमारी रोटी वगैरह सब बन गया है, दाल दलिया चौलाई और कद्दू की सब्ज़ी भी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, कद्दू चौलाई की सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाइए इसमें चौलाई कद्दू। यहाँ पे आम की चटनी मेरी बन के रेडी है, और यहाँ पे मेरा खाना सब्जी रोटी दाल दलिया। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।